एक गांव में अनामिका और रानी थी। दोनों बहुत नटखट बहुएं थी। उनकी नटखटता के कारण उनकी सासू माँ बलि का बकरा बनती थी, बेचारी। एक दिन अपनी दोनों नटखट बहुओं को लेकर अपने खेत में जाती है शारदा। बहू, तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाओ और जाके पेड़ लगाओ, मैं पेड़ के नीचे थोड़ा बिस्तर लगा के आराम करती हूँ। जब तक शारदा अपने बहुओं के उत्तर की प्रतीक्षा में थी, वो दोनों कुछ ना कहकर वहीं से चली जाती है। देखा दीदी, हमारी सासू माँ राजकुमारी की तरह बिस्तर लगा के सोएंगी, वो भी आराम से, और हम दोनों जाके धूप में काम करेंगे। सासू माँ के बारे में तो जानती हूँ, छोड़ो ना बहन। गुड़ नहीं है वो महारानी, अदरक है अदरक, गरम और मसालेदार। हम पेड़ के नीचे थोड़ी देर थे कि नहीं, उन्हें इस बात की जलन हो गई। मैं तो श्राप देती हूँ श्राप, उसे सांप काटे, उसे बिच्छू काटे। ऐसा गुस्से में कहकर रानी अपना काम करने लगती है। अनामिका उसे देखकर मुस्कुराती है और वो भी अपना काम पे लग जाती है। देखते ही देखते एक घंटा निकल जाता है। पेड़ के नीचे शारदा बिस्तर पर आराम से सो रही थी, वहाँ सांप आता है और फुंकार रहा होता है। आँख खुलते ही शारदा सांप देखकर घबरा जाती है। अनामिका, रानी, इधर जल्दी आओ। लगता है सासू माँ जग गई है। ये सोचकर वो दोनों सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ के सामने सांप देखकर वो भी बहुत घबरा जाती है। हाय भगवान, देखो सावधान रहना बहन, देखो तुम्हारे मुंह की बात बिल्कुल सच हो गई। तुमने ऐसा ही कहा था ना, सासू माँ के सामने सांप आ गया। अरे दोनों बहने क्या कर रही हो, कुछ करो, इस सांप को यहाँ से भगाओ। सासू माँ काफी डरी हुई थी। अब इस तरह से सासू माँ के कहने पे दोनों बहनें सोचने लगती है कि सांप को किस तरह से भगाया जा सके। दीदी, अगर हम बीन बजाए तो सांप चला जाएगा क्या? वो चला जाएगा बहन, पर हमें बीन कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब आई है दीदी। ऐसा कह के रानी वहाँ से चली जाती है। अनामिका और उसकी सासू माँ दोनों ही इस सोच में थे कि आखिर में रानी करना क्या चाह रही है। रानी एक बड़ा सा डंडा लाके सांप को मारने ही जाती है कि अनामिका रोक लेती है। सासू माँ तो आँख ही बंद कर लेती है। दीदी, आपने मुझे क्यों रोका? अगर तुम सांप को जोर से भी मारी तो वो सांप कभी नहीं मरने वाला, समझी? ये तो छोटा सांप था, इसे बड़े डंडे से मारना था, इसीलिए लंबा और मजबूत डंडा मैं लेकर आई। बहुत हुआ बेवकूफी का, अगर हड़बड़ी में कुछ भी की तो सासू माँ जिंदा नहीं रहेगी। मतलब फोटो पे माला चढ़ाना होगा? ऐसी बुरी बातें मत करो, मुंह बंद करो तुम लोग। तो क्या सासू माँ, डोसा पापड़ बड़ा सोचूं? अगर आपका मुंह बंद करने जाऊं तो सांप आके मेरे हाथ पे काटेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर तो मुझे शमशान घाट ले जाना पड़ेगा। यही ना, आपका यही इरादा है ना? सांप आके शारदा के सामने फन उठा के खड़ा था। शारदा का चेहरा दुखी हो जाता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों बहनों के सामने मेरे साथ मत खेलो, इसे भगाने का कोई तरीका सोचो। उनके कहने के बाद रानी फिर कुछ सोचने लगती है। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ का डंडा फेंक देती है। अनामिका और शारदा दोनों ही आश्चर्य थे। थोड़ी देर बाद रानी एक बड़ा सा पत्थर उठा के शारदा के पास ले आती है। अनामिका फिर रानी को रोकती है। बहन, तुम क्या सासू माँ को मारना चाहती हो? अरे दीदी, आप ही ने तो कहा था उसे डराने से वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा कह के रानी उसे ढक देती है। फिर दोनों बहनें सांप के पास जाकर विनती करने लगते हैं। नाग देवी, हम आपको दूध देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। फिर भी वो सांप वहाँ से हिला नहीं। दूध के साथ साथ हम आपको अंडे भी देंगे, आप सासू माँ को छोड़ दीजिए। रानी के कहने के बाद भी वो सांप वहाँ से हिला नहीं। चिकन भी दूंगी। अभी भी सांप वहाँ से हिला नहीं। सासू माँ का सात तरह का जेवर दूंगी। फिर भी सांप को कोई फर्क नहीं पड़ा। मटन खिलाऊंगी। सासू माँ का सारा जायदाद दे दूंगी। फिर भी सांप वहाँ से हिला नहीं। आपके लिए सासू माँ एक बड़ा सा मंदिर बनवा देगी। फिर सांप वहाँ से चला जाता है। शारदा को राहत मिलती है। अब चूंकि शाम हो चुकी थी, शारदा अपनी दोनों बहुओं को लेकर घर लौटने लगती है। घर लौटने के दौरान रानी कहती है, सासू माँ घर जाते ही 10,000 रुपए दीजिएगा ताकि हम मंदिर का काम शुरू कर सके। 10,000? एक छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए 10,000 की क्या जरूरत है बहू रानी? मुझे पता था आप ऐसी बहाना बनाएगी। मैंने ही कहा था सासू माँ मंदिर बना देगी, आप मंदिर बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो क्या आके काट लेगा? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता,
जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं ऐसे सांपों के साथ खेला करती थी। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका और रानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। उधर रानी मन ही मन मुस्कुराती भी है। फिर तो सासू माँ, वो सांप फिर से आके आपके साथ खेलेगा और फिर हमारी यहाँ क्या जरूरत है। चलो बहन, हम भाग चलते हैं। ऐसा कह के दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। वो आसपास देखती है और वो भी भागने लगती है। वो काफी डरी हुई थी। पता नहीं सांप किस दिशा से आके हमारा पीछा करने लगे। बहू रुको। दोनों बहनें सासू माँ शारदा के आगे आगे भागते भागते एक पेड़ के नीचे जाके रुकती है। सासू माँ भी भागते भागते उन दोनों बहनों के पास जाकर उस पेड़ के नीचे रुकती है। सुनो बहू, 10,000 नहीं, मैं 20,000 दूंगी, मंदिर का निर्माण करो। शरारती बहनें सासू माँ की बातें सुनकर हंस पड़ी। बहन, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक सिल्क की साड़ी, क्या कहती हो? तुम बहुत अच्छी हो दीदी, ऐसा ही करो। इस तरह से फुसफुसा के दोनों बहनें बातें करती है। ये देखकर शारदा कहने लगती है, अरे बहू, तुम लोग क्या फुसफुसा रही हो? फुसफुसा नहीं रहा है सासू माँ, सांप फुफकार रहा है। अनामिका सांप की तरह फुफकारने लगती है। बस इतना। उसके बाद शारदा वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर दोनों नटखट बहुएं खूब जोर जोर से हंसती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रत्नापुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। उनके पति दिहाड़ी मजदूर का काम करने के बावजूद जो पैसे मिलते थे वो पर्याप्त नहीं होते थे। इसलिए अनामिका तोतों से बच्चे बनाती थी और उसे शहर में बेचा करती थी। जो पैसे वो वहाँ से कमाती थी उन पैसे को परिवार में खर्च करती थी और अपनी बेटी मीना की पढ़ाई लिखाई में। पर सासू माँ शारदा तोतों से बहुत नफरत करती थी। तोते से नफरत करने के कारण उन्हें कभी पानी या खाना कभी नहीं खिलाया। पर इस बात से अनामिका को कभी फर्क नहीं पड़ता था। वो चलती गाड़ी में तोतों को बैठाती थी और उन्हें शहर ले जाया करती थी बेचने के लिए। तोते ले लो तोते, राम राम कहने वाली तोते, इस तरह कहते हुए बेचा करती थी। तभी एक आदमी गाड़ी की तरफ आता है पर कुछ नहीं कहता। वो एक तोते को देखता है और उसे खरीद के अपने साथ ले जाता है। दिन भर चिल्लाने के बाद भी बस उसके दो तोते बिकते हैं। फिर शाम तक वो घर लौट आती है। वो तोतों को फल पानी देती है और बाकी पैसे ले जाकर मसाले के डब्बे में रख देती है। उसके बाद वो खाना पकाने लगती है। फिर खाना वाना खाती है और वो सो जाती है। अगले दिन अनामिका सुबह उठ के घर का काम काज करती है। फिर वो तोतों से मिलने जाती है। सारे तोते मरे हुए थे। उनके इस तरह से मर जाने से अनामिका बहुत रोती है। इस बात से पूरा परिवार शारदा भी बहुत दुखी होती है। फिर जाके उन्हें कबर दे आते हैं, क्योंकि अब तोते नहीं रहे तो अनामिका बहुत दुखी थी। वो ठीक से खा नहीं रही थी, ठीक से पानी नहीं पी रही थी, 5-6 बार बुलाने के बाद जवाब दे रही थी। वो एक अलग दुनिया में थी, बहुत दुखी थी। फिर एक दिन अनामिका के घर में एक स्वामी जी आते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी इसीलिए वो खाना मांगते हैं। उनके ऐसे पूछने पर अनामिका खुश होकर उसे आमंत्रित करती है और पेट भर के खाना खिलाती है। स्वामी जी तृप्ति से खाना खाने के बाद बहुत खुश होते हैं। तब वो अनामिका से कहते हैं, देखो बेटा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ जिस तरह से तुमने खाना खिलाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बताओ क्या चाहिए? क्या कहूँ स्वामी जी, पहले तोते बेचकर जो पैसे कमाती थी उससे सासू माँ, पति, इस परिवार, बेटी का ख्याल रखती थी। अब गरीब है, मेरे सारे तोते मर गए। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, कैसे इस परिवार को चलाऊंगी। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पुराने तोते तो वापस नहीं दिला सकता, पर मैं तुम्हें एक मायावी तोता दूंगा। उस तोते को जो भी पसंद करेगा उसे देने पे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर स्वामी जी ने अनामिका को एक मायावी तोता दिया। तोता देखने में बहुत प्यारा था। अनामिका स्वामी जी को नमन करती है और स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो तोता बात करने लगता है, अरे अनामिका, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम हमेशा मुस्कुराओगी। ठीक है तोता, मैं मुस्कुराऊंगी। क्या तुम मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलवाओगी? फिर अनामिका अपनी बेटी मीना से उसकी परिचय कराती है। मायावी तोता बहुत ही होशियार थी और हमेशा बात करती थी।
मीना को ये बात बहुत पसंद आई। वो हमेशा उससे बातें करती रहती थी। जैसे वो मायावी तोता कहे कि भूख लगी है, वो खाना खिलाती थी, प्यास लगी है उसे पानी देती थी। फिर खाना पानी होने के बाद तोता कहती है, चलो अनामिका हम गाड़ी से घूमने चलते हैं। अगर इस दौरान मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं उसके पास चली जाऊंगी और इस तरह तुम्हारी सारी दिक्कतें चली जाएगी, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। फिर तोते के कहे मुताबिक अनामिका उसे लेकर गाड़ी से निकल जाती है। वो उड़ते हुए जाकर गाड़ी पे बैठ जाती है। अनामिका बेचने के लिए निकल पड़ती है। वो चालाक तोता मुड़ मुड़ के देखने लगती है। आइए बाबू आइए, मायावी तोता ले जाइए, आइए बाबू आइए, जो उसे ले जाएगा उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा, आइए बाबू। इस तरह अनामिका चिल्ला चिल्ला के कहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके सामने से एक मोटर गाड़ी में बैठ के एक बुजुर्ग इंसान आते हैं। इस तोते का कितना भाव है? आपके पास कितने पैसे हैं? तोता के इस तरह से पूछने पे वो आश्चर्य हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि तोता ऐसे कैसे बात कर सकती है। क्या तुम सच में बात कर सकती हो? नहीं, श्रेया घोषाल ने मेरे लिए आवाज दी है, मैं तो बस चोंच हिला रही हूँ, इतना ही। इतना आश्चर्य होते हैं वो कि उनका मुंह खुला रह जाता है। ये देखकर अनामिका हंसने लगती है। अरे दादाजी पहले मुंह बंद कीजिए, नहीं तो आपके मुंह में कीड़े मकोड़े घुस जाएंगे। जल्दी से बुजुर्ग इंसान अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ये देखकर तोता और अनामिका दोनों हंसने लगते हैं। जब मैं आपके आंखों के सामने बातें कर रही हूँ, फिर आप कैसे पूछ सकते हैं कि मैं सच में बात कर सकती हूँ या नहीं? मान लेता हूँ कि तुम बात करती हो, अब बताओ तुम्हारे भाव कितने हैं? मुझे आप पसंद नहीं आए, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आऊँगी और अपना भाव भी नहीं बताऊँगी। क्या तुम बता सकती हो मैं पसंद क्यों नहीं आया? जब आप बात कर रहे हो तो मुँह से बदबू आ रही है, 5 मिनट के लिए भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर जिंदगी भर रहनी पड़ी तो मुझे तो उल्टी हो जाएगी। जब तोता ऐसा कहती है, बुजुर्ग इंसान गुस्से से गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका ठेला ढकेलते हुए फिर से बेचने निकलती है। आप बात कर सकते हैं तोते से, अगर आपको वो पसंद आए तो खरीद सकते हैं, ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। अगर तुम सभी को इस तरह से भेज देती हो तो कौन आएगा, कौन तुम्हें खरीदेगा? कब वो खरीदेंगे, कब परेशानी खत्म होगी, कब अच्छे दिन आएंगे बताओ? मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी, चिंता मत करो अनामिका। फिर अनामिका गाड़ी ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर में एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे आती है। वो ठेले के पास आती है तोता खरीदने के लिए। इस तोते का कितना भाव है? मुझे आप पसंद आई, आपके पास जितने हैं उतना दे दीजिए दादी अम्मा। अनामिका पैसे लेके उस बुजुर्ग महिला को तोता दे देती है। अनामिका मैं इस दादी के साथ जा रही हूँ, ये रहा तुम्हारा उपहार। ऐसा कह के वो अनामिका को एक सोने के तोते का मूर्ति उपहार में देती है। अनामिका जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तुम इस मायावी सोने की मूर्ति के पास कह देना, उतना ही काफी है, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, तुम्हारा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताएगा। ऐसा कह के वो अनामिका को सोने की तोते की गुड़िया देती है और दादी के साथ चली जाती है। उस दिन के बाद से उस सोने की तोते की गुड़िया की वजह से अनामिका सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। इस तरह स्वामी जी के दिए हुए उस मायावी तोते की मदद से अनामिका की पूरी जिंदगी बदल गई।